मैं जा ता मैं दुखी हाँ सी दुखी सवाया जग ते कोठे चढ़ के वेख्या ते घर घर बलदी अग। ते ए तुसी जदो मोटरसाइकिल ते बह के किधरे जांदे हो बाहर बाजार च या किधरे ते लोग तुहानू पुछदे नहीं के इहनू काहदी ट्रिप लाई जे? लोग पुछदे ने काहदी ट्रिप लाई, असां कहदे इहनू ग्लूकोज ला दित्ता, इस ग्लूकोज नाल चलदी रहिंदी है, जे ग्लूकोज खत्म हो जांदा ते बंद हो जांदे। अच्छा, ये पिछली घूमत आँदी ही अं तब्दीली लैके आवेंगे, उन्होंने को तब्दीली लियादी है तो जी हूँ मौजूदा घूमत है कारकरदगी को तुम मुतमिन हो या उन्होंने भी कुछ नहीं किया? इधर तो कोई तब्दीली नहीं आई, एवं बस गल करी उन्होंने तब्दीली आ गई, तब्दीली किसी तब्दीली हाँ कोई नजर नहीं आई। तब्दीली आ आई जो मोटरसाइकिल देख लो थोड़े सामने जी, तो की हाल हो ट्रिप लगी जो मोटरसाइकिल आज तब्दीली जी बस। प्यारे वेखन वाले हो, गोरमेंट ने तेल दियां कीमतां दे विच इजाफा कर दिता है, अल्टीमेटली उहदे नाल महंगाई का एक नवा तूफान आएगा, गरीब तो अगे ही महंगाई दे विच पिस चुके ने। आओ साडे नाल, असीं तुहानूं अज कुछ गरीबां दे नाल मिलाने आ ते उहनां तों पुछने आ कि इस वधण वाली महंगाई दे नाल उहनां ते की वापरेगी। आओ साडे नाल। अज दे दौर ते हर बंदा परेशान है, ते 30 साल अज तों 30 साल पहलों शेर आया सी ते उन्हें मास ला लिया सी, हुण 4-5 महीनिया च उन्हें हड्डियां भी चब छड़िया ने, ते बच्चे ने जिहड़े साडे पढ़दे आ स्कूलां तो छड़ा लए ने, ना बच्चियां दे असीं पैसे पूरे कर सकने आ, ना तेल दा खर्चा पूरा कर सकते, तेल इन्ना को महंगा हो गया कि हर बंदा परेशान है, ना को बंदा दाल लै सकदा, दाल भी पानी पा पा के लोग पकाते ने, ते किस तरह गुजारा हुंदा ते लोग खुदकशियां तो मजबूर ने, हर बंदा परेशान है, हर बंदे नूं तकलीफ है, ते अल्लाह करे अही ध्यान कि हर मैं ते आना कि हर बंदा जिहड़ा ना इन्हां जिहड़ा ज़ालमां नूं वेख के जिथे इन्हां नूं वेखे उत्थे जान देनी शुरू कर दे, अल्लाह ताला को मदद मंगे, इन्हां नूं शर्मा नूं शर्म नहीं आउणी। ये जदों आउंदे ने ये सब कुछ चब जांदे ने, ते असीं अल्लाह कोल दुआ करने आ कि या अल्लाह कोई नेक बंदा भेज, कोई इस तरह का बंदा भेज जिहड़ा मुल्क पाकिस्तान वास्ते कुछ करे। 4 साल घूमत की उन्हें जी, उन्हें 4 साल जो घूमत साढ़े 3 साल की है ना, तो करोना ने जान छड़ी, उन्हें गरीब ने की करना? गरीब की करता, सही गल है, बिल्कुल सारे कारोबार बंद हो गए, पूरी दुनिया ने बंद हो जाना, पाकिस्तान देखिए गरीब जी, तो कोई लुटने वाले बहुत ऐसे खाने वाले चुके, तो लुट लुट के खा गए गल मुकी, ये अली बाबा चल चोर वाली गल हो गई इन्हां नाल, वो एक साथ बाकी चोर ने सारे लगे फिर तो उसे बनेगी, एक बचाता है दूजे खाते हो, वो बिल 22,000 आया मैं बाबी तारे ने, मैं कट के ला जाओ मीटर, एक पखा चलता है, एक मोटर चलती है 22,000 रुपया बिल है, 11,000 रुपया ज्यादा साफ रहा है, कोई शायद नहीं होना मेरे, ये चंगी हुकूमत आई ने भाई, हाँ इधर लुटना इधरों लुटना इधरों लुटना, एक गलत नहीं ना करने वाली, तो होर उन्हें सदर हम जाने की ना अमरीका उन्हें अपनी पहला अपना सलाम का हिस्सा दिता, तो फिर उन्हें आख्या वाकई गल सही है, इन्होंने शर्म नहीं आता, सलाम नहीं करते इतने सानू आ सलाम कर, बोझे फोलते हैं बोझे फोलू, जिन्हें पसरूरों एक आना ना उन्हें सोचना कि यार मेरे को 200 रुपया हो फिर मैं पहुंचना, जो तो कोई पैसे नहीं बेचारे होने उन्हें कितने जाना है, ठीक है तेल इन्ना को महंगा कर छड़ा कि हद तो ज्यादा इंसान इन्ना को सोचता कि यार मैं रोटी भी खानी है, मैं पानी भी पीना, यार मैं जाके किसी यार से मिल पाया मैं रोटी भी खवानी पै जानी, वो कितों खवाएगा जो तो कोई पैसे ही नहीं है बेचारे को, ठीक है ना, इंसान इन्ना को परेशान है मजबूर है कि वो यकीन तो 24 घंटे जो ना रात सौंद ना दिन सौंद, ठीक है ना, आटा कितने तुर गया, दाना चीनी कितने तुर गई है, ठीक है ना, कदों आते हैं अभी थोड़े वास्ते बड़ा कुछ करा ऐ करा, मैनू तो समझ नहीं लगती पी इन्हों की सारे एक जैसे रल गए ने, समझे कि नहीं, समझ नहीं आ रही, आवाम पीसी जान रही है माड़ी, गरीब आवाम जी मरण रही है, ठीक है ना, ये तमाशा वेखन डे ने, कोई कुत्तियां नूं पानी पा डिया, कोई शेरां नूं पानी पा डिया, कोई कुछ करन डिया, गरीब वास्ते तो सोचते ही कख नहीं ना पे, तो ना इन्हें सोचना ही है भाजी, वेख लियो जे भावें तुसीं रात दिन वेख लियो जे, यकीन करो अभी तो लगे दुआ करने सुने मालिका कोई कोई नेक लोग नेक मत्थे लवा सवेरे उठ के कड़ा किसी की गुरु जी का सिया बने जां गुरु जी किसे वास्ते कोई बना के दवे, ठीक है, वो इन्ने जगह को नहीं है ना होना ही है, पहला एक वक्त सी भी 100 रुपया लीटर तेल सी, ते लोग बहुत खुशहाल सन, लेकिन अज इन्नी को महंगाई है, इन्नी को महंगाई है कि इंसान उहदी दिहाड़ी जिहड़ी 1,000 रुपया है, मजदूर की दिहाड़ी 1,000 रुपया है, लेकिन उहदा खर्चा जिहड़ा ना वह तकरीबन 1,500 रुपया है,
वो 500 रुपया हरजाना वो कितों आधार चुक के तो अपने घर का वक्त चलाए ना, वो बंदा प्राइवेट बच्चे पढ़ा सकता है। अगर जे वो पढ़ाना चाहे तो वो इन्नी गुंजाइश ही नहीं है भी वह शाम का अपना खाना चलाए या वो बच्चे पढ़ाए या कोई वो घर मेहमान आ जाता वो इन्ना नहीं कर सकता भी उन्होंने अज इस दौर असी बताऊ लैके खुवा दईए क्योंकि वह भी 250 रुपये किलो हो गए हैं। ठीक है, जिहड़ी चीज़ लैनी है धनिया लैन जाओ तो आते हैं 300 रुपये किलो हो गया, तुहानू 20 रुपये का धनिया कितों लैके दईए असी। मिर्चां लैनियां ने अगर जे तुसीं 400 रुपये की सब्जी लैनी तो नाल तुहानू 100 रुपये का मसाला भी चाहिए जिहड़ा एक टाइम की हांडी दे विच सिर्फ पैना है। तो गरीब बंदे जिहड़े ने बहुत जलील हो रहे हैं, ये वास्ते साडी दुआ है ये भी इस पाकिस्तान दे विच अल्लाह पाक कोई ऐसा तरह का हुक्मरान भेज देवे जिहड़ा इस गरीब आवाम की मदद करे तो सानू गरीब बंदे नू सहूलत मिले। किसी पासों कोई सहूलत नहीं मिलती है, अगर जो कोई चांदगढ़ी से बहिए तो वो बेचारे अपने जगह तो मजबूर ने भी असं इन्ना महंगा पेट्रोल पाने तो तुम सूँ इन्ना किराया दो तो इन्ने जोगा कोई है ही नहीं है भी जिदा रोजाना जिन्हें शेर वाले बाग भी इतों जाना है वो 100 रुपया किराया ला के जाए जहाँ अपना अखराजात पूरे करे, वो कम तो भी नहीं जा सकता जिसे को मोटरसाइकिल है उन्हें कार खड़ी कर दी है भी मैं ये पेट्रोल नहीं पवा सकता मैं किस तरह जावा। ठीक है, बिल ने वो इंतहाई ज़्यादा ने हर बंदे हर माड़े तो माड़ा घर जोड़ा उन्होंने भी 8-10 हज़ार रुपया बिल का एक्स्ट्रा पै रहा है, वो बेचारा की करे वो मतलब बच्चों के अखराजात पूरे करे या उन्होंने तरले सुने या बच्चों कुछ लिया के खवाए या बिल तारे, बंदा परेशान है। अगर जिस बंद किराए तो रह रहा है उस बंद के वास्ते तो यकीन करो भी इस दौर के मर जाने वाला मुकाम है, वो जो अपने बच्चों को वेंदा तो वो वास्ते कोई वो कंट्रोल गल नहीं रही भी मैं अपने बच्चों कुछ दया बिल तारा या मैं किराया दें या मैं सब्जियां लिया के इन्हों एक्स्ट्रा दे दें मेरे बच्चे दो टाइम खाना ही खा लैन। प्यारे वेखन वाले हुकूमत महंगाई करी जा रही है तो गरीब आवाम वह तोड़ लभदे जा रहे हैं। आओ तुहानू तो शहर गुजरांवाला दे कहो जे नौजवान दे नाल मिलाने जिन्हें महंगाई का इलाज करदे होए अपनी मोटरसाइकिल नू ड्रिप लगवा लईए। जी की नाम है भाई तुहाडा? नसरुल्ला नाम है मेरा। अच्छा नसरुल्ला साहब, सानू ये दसो कि तुसीं मोटरसाइकिल नू ड्रिप लगाईए यदि की वजह है कि मोटरसाइकिल की टैंकी खराब है? मोटरसाइकिल की टैंकी खराब हो गई है तो वो असी उन्हों सही कराने पैसे कोई नहीं तो लिहाजा असी ये ड्रिप उन्होंने लगा दी है, तेल भी पवाइए तो तेल जड़ा ना वो पेट्रोल पंप वाले जो बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे हैं, महंगा होने की वजह तो असी पेट्रोल पंप पर जाने 500 रुपये का तेल पवाने तो 2 किलोमीटर गड्डी नहीं चलती तो साडा ये पेट्रोल खत्म हो जाता है। यानी तुहाडे कहने का मतलब है कि पेट्रोल पंप वाले भी जिहड़ी है वह भी चोरी चकारी करते हैं पूरा तेल नहीं पाते? हाँ जी बिल्कुल जी, पूरा तेल नहीं पाते, मन उन्हें ठीक नहीं है। यानी कि ड्रिप लाने की भी मेन वजह कि तुहानू पेट्रोल जो पाते पता लगता रहे कि पेट्रोल पूरा पिया? हाँ जी पेट्रोल जड़ा बिल्कुल टैंकी हिला के देखने टैंकी के पेट्रोल ही कोई नहीं होता जी, महंगाई इन्नी हो गई जी टैंकी असी कितों पवाईए तो पेट्रोल ही बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, वहाँ हुकूमत ने पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा कर दिता है तो यदि वजह तो असा इस मोटरसाइकिल ड्रिप ला दी है। तो ये तुम जो मोटरसाइकिल बह के किधरे जाते हो बहर बाजार से या किधरे तो लोग तुहानू पुछते नहीं कि इनू कादी ट्रिप लाई जी? लोग पुछते ने कादी ट्रिप लाई, असा कहते उन्होंने ग्लूकोज ला दिता है, एक इस ग्लूकोज नाल चलती रही है, जो ग्लूकोज खत्म हो जाता तो बंद हो जाते फिर कोई पेट्रोल पंप लभने तो वो वास्ते असी फिर दोबारा ग्लूकोज इन लवा लें। जी भाई तुम ये बड़ा हैरान हो गए मोटरसाइकिल के कोल खड़े हो तो की देखे? मैं देखा मैं यही बंद लगी है ट्रिप वो गोर ना देखे तो गड्डी लगी है ट्रिप वो तेल आ रहा कतरा कतरा मैंने वेखा मैं भाई तुम्हारी तबीयत ठीक है तुम्हारी तबीयत में की है मैं वेखा गोर ना वेखा तो गड्डी लगी है ट्रिप वो गड्डी बीमार है उनका तेल बड़ा महंगा वे बड़ी महंगाई बड़ी हो गई है चक्की च पीस रही आवाम दसो की करे आवाम गरीब बेचारी है हुक्मरान सकून एसिया च बैठे ने पखियां थले बैठे ने गरीब बेचारे आवाम मर चले भुखे वो आपो ही लड़ मर चले ने यह सू मारन लगने सू सा दसो की गिना गरीबा का यह ऊपर से नीचे लेके जाएंगे नीचे से ऊपर लेके जाएंगे की करन डे सा गरीबा का की करन उत्ते घल देंगे गरीबा ये उत्ते ही घल देने लगे गरीबा ऊपर वाले नीचे आएंगे नीचे वाले ऊपर जाएंगे पता नहीं क्या करेंगे ये गरीबों के साथ कोई जीना हराम किया ना मुश्किल किया बिल अगर 1500 रुपये बिल आता ही हूँ 8-8 हज़ार रुपया बिल आ गया गरीबों का तो बिल देिए कि रोटी खाइए गरीब आम भुखी मर चलीए। अच्छा ये पिछली हुकूमत आंदी ही अं तब्दीली लैके आवेंगे उन्होंने को तब्दीली लिया है तो जी हूँ मौजूदा हुकूमत है कारकरदगी को तुम मुतमिन हो या उन्होंने भी कुछ नहीं किया? इधर तो कोई तब्दीली नहीं आई एवं बस गल करी उन्हें तब्दीली आ गई तब्दीली किसी तब्दीली हाल तो कोई नज़र नहीं आई तब्दीली आ आई जो मोटरसाइकिल देख लो थोड़े सामने जे तो की हाल हो ट्रिप लगी जो मोटरसाइकिल आज तब्दीली जे बस।
ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉੱਠੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਡੰਗਿਆ, ਐਸਾ ਡੰਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਅ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਐਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਚੋੜੀ ਦਾ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਂਗ ਨਿਚੋੜ ਛੱਡਿਆ ਵੇ। ਆਵਾਮ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਕੋਨੇ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 20-30 ਦਾ 50 ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ ਦਾ 65,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ, ਮੁੰਜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ 65,000 ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੋ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਇਤਿਹਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੋਚਣ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਣ। ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਿਲਾਰ ਛੱਡੀ ਜੋ ਤੇਲ ਖੁਣੋ, ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ, ਆਏ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਆਏ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਹ 200 ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ 250 ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਇਹ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ ਜੀ ਸੋਚਣਾ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਡੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਹੈ ਸਪਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਮੋ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਾਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰਿੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਗਰੀਬ ਪਿਸ ਕੇ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 700 ਰੁਪਇਆ ਜੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਚੰਦ ਅਸ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਸੀ ਦੁਖੀ ਸਵਾਇਆ ਜੱਗ, ਅਤੇ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਤੰਗੀ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਲਕਤ ਭੁੱਖੀ ਨੰਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਓ ਚੱਟ ਚੱਲੀਏ।